मार्सेल मोनी का कस्बा आज जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो खुद में ही बहुत 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 महान हस्ती है, बहुत डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है, और हर स्फीयर में, पॉलिटिक्स में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, रियलिस्ट की थ्योरीज में, आपका और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटी में, स्टेट क्राफ्ट में, इन सब में ही उनका इन्फ्लुएंस है। हम बात करें चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त, इनका एक कोट पढ़ते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड ये क्या कहते हैं। ये मानते हैं कि जो हैप्पीनेस है एक राजा की, वो किस में कॉन्स्टिट्यूट करती है, लोगों की हैप्पीनेस में। जितना अच्छा राज्य होगा, जितने खुशहाल लोग होंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक राजा के लिए, बल्कि उसके अपने पर्सनल खुशियों के। इनको हम फेमसली जानते हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। एक एंशंट इंडियन फिलोसोफर थे, जिनकी जो बुक अर्थशास्त्र, जिसे हम साइंस ऑफ पॉलिटी कहते हैं, जो लिखी गई है इथिक्स पे और स्टेट क्राफ्ट पे। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है राजा को सिखाना कि शासन कैसे करना है, रूल कैसे करना है, गवर्न कैसे करना है, फॉरेन पॉलिसीज कैसे ट्रीट करनी है, और अपने राज्य को कैसे स्टेबल एंड स्ट्रांग रखना है। चंद्रगुप्त मौर्या, मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये एडवाइजर थे दोनों के, बिंदुसार के भी और चंद्रगुप्त के भी। देन वी विल अंडरस्टैंड, इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, जिनका एक का नाम अर्थशास्त्र था, दूसरे का नाम चाणक्य नीति था, जिसे चाणक्य नीति को हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। जो अर्थशास्त्र थी, अब हमें ये कैसे मिली, एक पंडित थे मैसूर इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने क्या किया था, ये बुक अनकैटेगोरिक फॉर्म में लीफ्स में लिखी थी। अनकैटेगोरिक का मतलब होता है कैटलॉग्स होते हैं, जब हम नंबरिकली या बहुत प्रोसेस में किसी बुक या किसी मटेरियल को सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, बट ये अनकैटेगोरिक फॉर्म में दी गई थी एक पंडित के द्वारा। किनको दी गई थी, आर रामा शास्त्री को, जो एक लाइब्रेरियन थे। बाद में 1905 में उन्होंने इसको अच्छे से कंपाइल किया। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंशिएंट इंडिया की जो अभी भी समझी नहीं गई है। जिस दिन वो समझ जाएगी, ना वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, और कौटिल्य बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न थिंकर्स, बिकॉज उनकी कहीं ना कहीं जो फिलोसफीज है वो इनकम्प्लीट है। मैकियावेली भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। वैसे ही जब हम मन्नू और प्लाटो की बात करते हैं, जो मन्नू की फिलोसफी है, दैट इज वेरी वास्ट, वेरी ब्रॉड एज कम्पेयर टू द प्लाटो। चाणक्य नियति इज कोलाब्रेशन ऑफ एबहोरिज्म। एबहोरिज्म का मतलब होता है जब अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे चीज़ें अपने वेदा से, शास्त्र से, या लर्न लोगों से, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अनुभव से, लाइफ के सीखते हैं, उन सबको इन्होंने क्या किया था, एक जगह प्रेजेंट किया अपनी चाणक्य नीति में। चाणक्य इज नोन एज इंडियन मैकेलेवी। इंडियन मैकेलेवी क्यों, क्योंकि मैकेलेवी और इनकी फिलोसफीज काफ़ी ज़्यादा मिलती है। फर्स्टली, इन दोनों ने स्टेट में राजा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, ये मोनार्की के फेवर में थे, और इन दोनों की ही जो इंपॉर्टेंट किताब थी, जैसे मैकेलेवी की प्रिंस और आपकी चाणक्य की अर्थशास्त्र, दोनों ही पॉलिटी को पॉलिटी बताती है, और दूसरा स्टेट, एक राजा को राज्य कैसे करना, हमें वो चीज़ें सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडियन थिंकर्स के बारे में समझना चाहते हैं, आपको बेसिक्स में ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडियन फिलॉसफी कैसे समझी जाती है, और इंडियन फिलॉसफी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, उनको पुरुष शास्त्रास कहते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इनहेरेंट वर्च्यू है, डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, प्रमोट उन्हें कौन करता है। पहला है धर्म। धर्म हमें कहाँ से मिलता है, जब कोई इंसान अपनी जो ड्यूटीज़ है उन्हें अच्छे लेवल पे परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टडिंग वेरी वेल, इट मींस आप क्या कर रहे हो, अपने धर्म अच्छे से निभा रहे हो। ये प्रमोट कैसे होता है, रिलीजन के थ्रू। दूसरा है अर्था। अर्था होता है एक्योरिंग ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटीज। जैसे जब आपकी शादी वादी हो जाती है, गृहस्थ आश्रम में आते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज एक्योर करते हैं, गहने लेते हैं, कपड़े लेते हैं, या ट्रेडर्स वगैरह का काम करते हैं, तो ये किस में आता है, पॉलिटी में। उसके बाद आपका कामा, आपके अपनी पर्सनल डिज़ायर्स, बायोलॉजिकल, फिजिकल, और आपकी एसेंशियल डिज़ायर्स, या आपकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रति रुचि होती है, उस चीज़ को ग्रैटिफाई करना, फुलफिल करना, इंजॉयमेंट्स करना, ये कहाँ से मिलता है, आर्ट एंड कल्चर से, म्यूजिक से, या प्लेइंग सम गेम्स एंड समथिंग। एट द एंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ को फुलफिल करवाने के लिए, दैट इज मोक्ष।
मोक्षा का मतलब होता है लिबरेशन, फ्रीडम। कहाँ से फ्रीडम? जहाँ पे आपकी जो सोल है वो सुप्रीम ऑलमाइटी से कनेक्टेड होती है, और आप इस दुनिया के सारे जितने भी बंधन है उनसे क्या हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, सेलिवेशन पाते हो। ये कहाँ से मिलती है? पेनेंस, सेल्फ पनिशमेंट। अब पेनेंस का मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट। इसको रिलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपको लगा कि नहीं आप अप टू द मार्क नहीं है, तो आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे या कोई भी चीज़ ऐसी स्किप करेंगे जो आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ पनिश करना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम अपनी ये मिस्टेक ना रिपीट करो। देन ऑरिजिन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चाणक्य है वो मानते हैं कि जिस टाइम पे स्टेट नहीं थी तो एक ऐसा राज्य था जिसे कहते हैं हम मात्स्यन्याय, मीन्स कि जहाँ पे एक जो बहुत बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाएगी और वो फिर उससे छोटी मछली को खाएगी। एक जंगल रूल है, कोई गवर्न नहीं है, हर कोई इस फियर में रह रहा है कि अगला बंदा मुझे क्या करेगा, मार देगा, कभी कोई सेंस नहीं। यहाँ पे हम हॉबस को आप याद रखिए, हॉबस ने भी सेम बात कही की थी कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो पहले था, वहाँ पे क्या था, एक ऐसा रूल था, हर कोई फेयर था डेथ में कि कब कौन किसको मार दे, वॉज नॉट सर्टन। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए लोगों ने प्रे किया मनु से, मनु जिसे हम लॉ गिवर मानते हैं या फर्स्ट किंग मानते हैं, कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमें गवर्न कीजिए, और जो हमें ये टेंशन्स है मरने की या फेयर है लाइफ में कि हमें वो हार्म करेगा या ये हार्म करेगा, इसको आप कंट्रोल कीजिए प्रॉपर वे में। कौटिल्य जो अपना ये किनशिप है मोनार्की को सुटेबल मानते हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग प्रकार की जो शासन होना चाहिए उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। ये चाहते हैं कि जो किंग है वो क्या करे, लोगों को कुछ नेचुरल क्लामिटी से बचाए, जैसे कि आपका फायर से, आग से, फ्लड से, एपिडेमिक से, रैट से, स्नैक से, टाइगर से, और इविल स्पिरिट से, बुरी आत्माओं से। सेवन ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट। सात ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, इस वाली थ्योरी को हम सप्तम थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पे वो एक इसको ऑर्गन के साथ कोरिलेट करते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के बेटर फंक्शंस के लिए, और ये सभी कोरिलेटेड है। इन सब का एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। ये एक साथ मिलके काम करते हैं गवर्नमेंट की बेटरमेंट के लिए। स्वामी मीन्स किंग, जो हेड होगा गवर्नमेंट का। अमत्या मीन्स मिनिस्टर, जो आईज होगी एक गवर्नमेंट की। शूद्र मीन्स फ्रेंड और एलाई, जो ईयर्स होगा सुनेगा। कॉश द ट्रेजर मीन्स खजाना, जो माउथ होगा स्टेट का, क्योंकि जब तक एक स्टेट फुल फ्लड अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है और उसके पास अच्छी ट्रेजरी, अच्छा पैसा, अच्छी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है बाकियों को, नहीं कर सकता है, बिकॉज उसकी अपनी ही जगह पे वो लोगों को अच्छे प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दे पाएगा और खुद भी स्ट्रांग नहीं होगा। दुर्गा मीन्स फोर्ट, जो आपकी फोर्टिफिकेशंस होती है, बाउंड्रीज होती है, वो स्ट्रांग होती है। और उसके बाद आपका आता है पूरा और जनपदा, जिससे आप टेरिटरी, जो आपका आपका स्टेट या आपका राज्य है वो क्या है, लेग्स है, किसकी, स्टेट की। डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट। यहाँ पे जो चाणक्य है वो चार चीजों की बात करते हैं, साम दान दंड भेद, ठीक है। वो कहते हैं कि एक राजा को अकॉर्डिंगली वर्क करना है, अकॉर्डिंगली देखना है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। अगर चालाकी से काम हो सकता है वहाँ पे उसे चालाक बनना चाहिए, जहाँ पे वो गिफ्ट वगैरह से एक राजा को मतलब समझा सकता है या उसका राज ले सकता है, तब वहाँ पे उसको गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहिए। जहाँ पे उसे लगता है कि अब उसे पनिशमेंट या सिंपली वॉर पे जाना चाहिए, वहाँ पे उसको वो चीज़ें करनी चाहिए। और जहाँ पे उसको लगता है कि भाई अब ये जो तो तीनों चीज़ें ये नहीं कर रही है, वहाँ पे बेदा मीन सोइंग द सीड्स ऑफ डिसेंशंस, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे करते थे। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, अगर आपका राजा स्ट्रांग है तो आप उसको वैसे टेक्निकली ट्रीट करोगे, अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको गिफ्ट वगैरह, थोड़ा ब्राइब वगैरह दे के काम चलाओगे, और अगर वो ये चीज़ें बिल्कुल ही फेल हो रही है तो आप क्या करोगे, डिवाइड एंड रूल करोगे, ताकि जो आपका अपना काम है वो निकल जाए। और इनका एक्चुअली मतलब यही था कि जो हमारी स्टेट या स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो और स्ट्रांग बने और टेक्निकली हम चीज़ों को देखें। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करिए, आप प्लाटो और कौटिल्य, मैकेलेवी, इन सब लोगों को चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत डायनेमिक है, और इनकी जो थ्योरीज है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा
इम्प्लाई की जाती है और अभी भी उन पर बहुत स्टडीज कंटिन्यू है ताकि और बेटरली हम समझ पाए कि वो लोग क्या कहना चाहते थे। अब डिफरेंसेस है और ये कौटिल्या का जस्ट एक पार्ट है। कौटिल्या की और भी बहुत सारी थ्योरीज है। कौटिल्या का एक पूरा सिस्टम है कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, एलाई कैसा होना चाहिए। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये मानते थे वो था कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमेशा आपका दोस्त होता है, और आपकी अपनी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है आप उसको और कैसे स्ट्रांग बना सकते हो और अपनी जो राज्य है उसे और फुल फ्लड कैसे बना सकते हो, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए हर सेंस में। कौटिल्या एंड मैकेलवी, मैकेलवी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, यूरोप के सबसे फर्स्ट थिंकर थे, और हमारे जो यहाँ पे कौटिल्या थे ये हमारे एंशंट इंडियन फिलोसोफर थे। यहाँ पे कौटिल्या कहते हैं कि एक राजा में 12 गुण होने चाहिए, वो जो एनिमल से सीखेगा, उसकी शार्पनेस, उसका उसकी जो तेजनेस है, उसको चीज़ों को सेंस करने का और उसको चीज़ों को सुनने का, समझने का, एक्ट करने का। लेकिन मैकेलवी सिर्फ दो कहते हैं, दैट इज फॉक्स एंड लॉइन, कि भाई लॉइन की से आपको स्ट्रांगनेस सीखनी है, फॉक्स से आपको शातिर बनना सीखना है। और हमारे जो कौटिल्या वो धर्म एंड रिलीजन से इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उनकी जो अर्थशास्त्र थी और उनकी जो चाणक्य नीति थी, चाणक्य नीति कंपाइलर था किस चीज़ का, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें शास्त्रास में, वेदास में, या अच्छे किंग्स ने या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो चीज़ें हमने सीखी है उसको सम अप किया था। लेकिन इन द अदर हैंड मैकेलवी चाहते थे कि जो ट्रेडिशन है, इथिक्स है, वो टोटली गवर्नमेंट से क्या रहे, सेपरेट रहे। कौटिल्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी एंड इथिक्स की बात करते हैं और मैकेलवी कहते हैं कि जो किंग है उनकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, डबल मॉरलिटीज है, एक जो उनको सिर्फ दिखानी है लोगों की दैट आई एम गुड, और लोगों की, क्योंकि लोग वो चाहते थे कि लोग हमेशा गवर्नमेंट को माने, तो गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरलिटी, की वो जो मॉरलिटी है उस ग्राउंड को बहुत अच्छे से एक्ट करें। कौटिल्या का जो वर्जन था डिप्लोमेसी का वो बहुत डायनेमिक है, आई टोल्ड यू बहुत वास्ट है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटी में भी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी, हर जगह इन्फ्लुएंसी हुए। मैकेलवी का भी इन्फ्लुएंसी हुए समाव इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नैरो है एज कम्पेयरली कौटिल्या। सो वी विल फर्दर स्टडी अबाउट चाणक्य एंड कौटिल्या एक वीडियो में, इनको ला के डिस्क्राइब करना इट वॉज नॉट दैट पॉसिबल, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके लिए प्रेजेंट किया है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वन मोर टाइम्स आई विल टेल यू, जब भी आप इंडियन थिंकर्स समझने की कोशिश करते हैं जस्ट कीप इन द माइंड फोर पुरुषास्त्रास, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्या है आपकी जो फिलोसफी है इंडियन थिंकर्स की, वो इसी पे डिपेंड है। वो चाहते हैं कि दाम अर्थ काम एंड मोक्षा एक प्रॉपर सेंस में चले, और इसके लिए जो मैंने आपको मनु के टाइम पर समझाया था कि चार आपके आश्रमास थे जो ये चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहले आएगा ब्रह्मचारी, जहाँ पे एक आप एक सेलिब्रेसी लाइफ, जहाँ पे आप एक स्टूडेंट लाइफ जिएंगे, फिर आपका गृहस्थ आश्रम आएगा जहाँ पे आप अपनी बायोलॉजिकल नीड्स और आपकी जो मतलब प्रॉपर्टी एक्यूरेंगे या गारंटिफिकेशन ये वाली चीज़ें फुलफिल करेंगे, फिर आपका आएगा वंश प्रति, जब आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों से आप अलग जाएंगे और अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए और अपने पीस के लिए काम करें, देन एट द एंड सन्यासा, सन्यासा मतलब जहाँ पे आप टोटली दुनिया की हर चीज़ त्याग देंगे और ऑलमाइटी के साथ जुड़ेंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडियन कल्चर में ये चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज की है कि इंसान की फुल फ्लज ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी इंटेक्चुअल, उसकी स्पिरिचुअल और उसके पावर को भी, बहुत एक सिस्टमैटिक एंड को रिलेटेड प्रोसेस है। और पुरुषास्त्रास ही इन चीज़ों को ले डाउन करता है कि इंसान के धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी अर्थ मीन्स उसकी मटीरियल प्रॉस्पेरिटीज कैसे कंप्लीट होती है, और उसकी अपनी जो कामा मतलब उसकी जो ग्रेटिफिकेशन डिजायर्स की वो कैसे कंप्लीट होती है, और मोक्षा मीन्स अल्टीमेट, आप सनातन धर्म में जो अल्टीमेट लाइफ का हमारा अटेनमेंट है, जिसको हम एंड फाइनल एंड कहते हैं, वो है आपका ऑलमाइटी से जुड़ना, बिकॉज उसी पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे है। बाकी सब चीज़ें कुछ टाइम तक है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू।